दुनिया के सबसे छोटे सिंगर का खिताब अपने नाम करने वाले अब्दुल रोजिक सलमान खान के शो बिग बॉस 16 का हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में हुए लॉन्च इवेंट में अब्दू को मिलवाया गया। अब्दुल रोजिक की देश भर में तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अब्दुल रोजिक की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है। अगर आपको अब्दुल रोजिक पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब्दू का रियल नेम अब्दू रोजिक है और निक नेम अब्दू है। अब्दू प्रोफेशन से एक सिंगर, म्यूजिशियन, ब्लॉगर और बॉक्सर है। अब्दू का जन्म 3 सितंबर 2003 को गिसदरवा पंजा के डिस्ट्रिक्ट ताजिकिस्तान में हुआ और 2022 के हिसाब से 19 साल के हैं। दोस्तों, रोजिक के पेरेंट्स माली का काम करते थे। बचपन में अब्दू रोजिक को रिकेट्स हो गया था और परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए वे अब्दू रोजिक का इलाज नहीं करवा सके। इस कारण अब्दू रोजिक का शारीरिक विकास नहीं हो पाया और उनकी लंबाई भी रुक गई। इनकी हाइट सिर्फ 3 फीट 2 इंच है। एक इंटरव्यू में अब्दू रोजिक ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात की थी। अब्दू रोजिक ने बताया था कि उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि हर कोई अपने आप में स्पेशल है। अब्दू रोजिक ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। उन्होंने कई तजाकिस्तानी गाने गाए जिनमें से कई हिट रहे। अब्दू रोजिक ने गाने की कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कैसेट्स पर गाने सुनते थे। जब भी वे टेंशन में होते थे तो गाने गुनगुनाना शुरू कर देते थे ताकि उनका मन कहीं और लगा रहे। धीरे धीरे अब्दू रोजिक को गाने का शौक लग गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दू रोजिक MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर भी हैं। उन्होंने बच्चों और बोने खिलाड़ियों के साथ MMA फाइट लड़ी। साल 2021 में उन्होंने रूसी टिकटॉकर और MMA फाइटर हसबुल्ला के साथ कम्पीट किया। अब्दू रोजिक को इंडिया में 2021 में तब पॉपुलैरिटी मिली जब उन्होंने अरिजीत सिंह का गाना इन्ना सोना गाया। बाद में उन्होंने अबू धाबी में हुए एक अवार्ड शो में भी बुलाया गया था। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाना गाकर सलमान के साथ हर किसी का दिल जीत लिया था। सलमान ने अब्दू रोजिक को तुरंत ही गले लगा लिया। उन्होंने अब्दू रोजिक को इंडिया इनवाइट किया। यहाँ वे AR रहमान की बेटी की शादी में भी शामिल हुए थे। अब्दू रोजिक सिंगर AR रहमान के साथ भी लाइव परफॉर्म कर चुके हैं। उन्होंने AR रहमान के साथ स्टेज पर मुस्तफा मुस्तफा गाना गाया था। अब्दू रोजिक सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं और अब तक कई सेलिब्रिटीज से मुलाकात कर चुके हैं। वे म्यूजिकल कीबोर्ड प्ले करने में माहिर है। अब्दू रोजिक अब बिग बॉस 16 ही नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी नजर आएंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अब्दू रोजिक आपको कैसे लगते हैं। वहीं बात करें अब्दू रोजिक की फैमिली के बारे में, तो दोस्तों अब्दू के पेरेंट्स एक गार्डनर थे। इससे ज्यादा इनकी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अब्दू अभी अनमैरिड है और किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। वहीं बात करें अब्दू रोजिक के हाउस के बारे में, तो दोस्तों अब्दू रोजिक का एक सुंदर सा घर ताजिकिस्तान में है, जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं। और बात करें इनके कारों के बारे में, तो दोस्तों अब्दू रोजिक को कार का काफी शौक है, जिस चलते इनके पास मर्सिडीज बेंज कार है और इसके अलावा इनके पास और भी कई लग्जरी और महंगी कारें हैं। अब बात करते हैं अब्दू रोजिक के इनकम के बारे में, तो दोस्तों रोजिक की कमाई का मुख्य जरिए स्पॉन्सरशिप और म्यूजिक है। वे एक सिंगर होने के नाते अच्छी खासी कमाई करते हैं। वे सोशल मीडिया से भी काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इनके अलावा अब्दू कई ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं, जिससे भी उनकी कमाई हो जाती है। अब बात करते हैं अब्दू रोजिक के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों रिपोर्ट की माने तो 19 साल के अब्दू रोजिक के नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए है। तो ये थी अब्दू रोजिक के लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना बिग बॉस 16 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।